श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन और गुलामी के चार श्रम कोड कानूनों, कंपनी राज निजीकरण और 10 देशों के संशोधनों को बेचने, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई के नाम पर फैल रहे नफरत, संविधान और लोकतंत्र पर बढ़ते हमले के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और फेडरेशनों के आह्वान पर आगामी 25 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल करने की तैयारी को लेकर शिक्षक भवन भैंसासुर में बैठक की गई। इस बैठक में 102 एम्बुलेंस कर्मचारी की उम्र सीमा को 60 वर्ष तक किया जाए, मंदी, छटनी, महंगाई पर रोक लगाओ, समान काम का समान दाम की गारंटी करो, निजीकरण बंद करो, राष्ट्रीय संपत्ति बेचना बंद करो, बंद और बीमार उद्योगों को चालू करो समेत 18 सूत्री मांगों पर चर्चा की गई। इस दौरान एटक, सीटू, एक्ट और इंटक के नेताओं ने बैठक कर चर्चा करते हुए कहा कि मोदी शासन द्वारा मजदूरों और किसानों पर हो रहे हमलों के खिलाफ सांप्रदायिक उन्माद रोकने और मजदूर की एकता कायम करने के लिए देश के संसाधनों को अडानी और अंबानी को बेचे जाने के विरुद्ध 25 तारीख को मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल किया जाएगा। है कि हमारे जो राज्य और पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे जितने भी हमारे देश के मजदूर हैं जिनका शोषण हो रहा है, मेन कर निजीकरण जो है, मेन मुद्दा निजीकरण है और 12 घंटा का जो काम लिया जा रहा है 8 घंटा के पैसे पे और बहुत कम पैसे में सरकार काम करा रही है, बहुत हम लोग को शोषण कर रही है, मजदूरों को, किसानों को जिस शोषण कर रही है उसके लिए हमारे जितने भी ट्रेड यूनियन है ऑल इंडिया में उन फैसला लिए हैं कि 26 तारीख को हम राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। पुरानी पेंशन को लागू करवाना है हमको, हमारे जितने भी बैंक हैं, रेलवे हैं, चाहे वो कोयला खदान हो, चाहे जितने भी निजीकरण रेलवे प्लेटफॉर्म से लेके